क्लास रे हमें पढ़ीतले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू बॉटनी। आज जे हमें पढ़िबा इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस प्लांट ग्रुप्स। ताले जो टॉपिक नाम रो तुम्हें जानि पारु छो जे हमें कहार क्लासिफिकेशन पढ़िबा ना हम पाखरे थिबा वेरियस प्लांट ग्रुप्स हम अर्थ रे जति की प्रकार रो प्लांट माने अछंती से प्लांट माने कर क्लासिफिकेशन को हमें पढ़िबा। ताले वर्तमान ए जो पढ़िया पूर्वरु गोटे वर्ड एटी लिखाई छि क्लासिफिकेशन। तो से क्लासिफिकेशन नाटक आम टे भल कि बुझे क्लासिफिकेशन माने हेला कौन ना विभागीकरण। आम जो क्लासीफाए करुचु कौन ऑर्गेनिज्म मानक किसी पर्टिकुलर पारामीटर नौ कि पर्टिकुलर तथ्य दौचु से तथ्य अनुसार आम कौन करफाए करुचु। एग्जाम्पल जी गोटे नेबी जे आम पाखे आम क्लास शहे पिला अच्छा तो जोबाँग से शहे पिला क्लासीफाए करुचु कौ कौ बेसीस क्लासीफाए करुचु आम से बयज गर्ल्स आकार में दुई भाग क्लासीफाए कर पार्छू टल आउ डॉर्फ मैंने डेगा बांगर हिसाब से क्लासीफाए करुचु गोटे एग्जाम कर मार्क अनुसार कौ मैंने पचास मार्क अधिक रखुच्च कौ मैंने पचास मार्क रू कम रखुच्च से अनुसार क्लासीफाए करुचु। तो आम बर्तमान क्या क्लासीफाए करवा आम आर्थ में थी सब प्लांट मान ग्रुप अनुसार क्लासीफाए करा चलवा। तो क्लासीफाए करवा पूर्व आम जानू प्लांट मैंने कौन प्लांट मैंने किसी प्लांट यूनिसेलुलर अच्छा आउ किसी प्लांट मोस्टली प्लांट मैंने मल्टीसेलुलर मोस्टली प्लांट मैंने कौन अच्छा मल्टीसेलुलर अच्छा सब प्लांट मैंने प्रायतः कौन प्रायतः फोटोसिंथेटिक मैंने कौन से बॉडी रे गोटे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अच्छे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कौन बा आलोक संश्लेषण करने बॉडी रे गोटे क्लोरोफिल प्रेजेंट अच्छी से क्लोरोफिल से कौन साहय करती निज खाद्य निज देह प्रस्तुत करती। तो क्लोरोफिल साहय से कौन करती निज खाद्य निज देह प्रस्तुत करती ताको छाड़ी की आम आर्थ रे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंट वैरायटी रो प्लांट सब अच्छा कौन कौन प्लांट सब अच्छा आलजी अच्छा शैवाल अच्छा ब्रायोफाइट्स अच्छा जोड़ा तुम स्कूल बेले पढ़ी चो मॉस मॉस जातीय गछ टेरिडोफाइट्स सब अच्छा टेरिडोफाइट्स मीन्स फर्न फर्न जातीय जो गछ से आम टेरिडोफाइट्स कह जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म सब अच्छा जो गुडी को आम नग्न बीजी कहू आउ कौ मैंने अच्छा एंजियोस्पर्म मैंने अच्छा एंजियोस्पर्म मैंने जो मैंने आवृत बीजी अच्छा। तो सब अधिका भेरइटर कौ मैंने अच्छा एंजियोस्पर्मस अच्छा पखापाखि तीन लक्ष स्पेसीस्र एंजियोस्पर्म आम पाखे प्रेजेन्ट अच्छा जो मानक आम कौन करुचु अलग अलग कैटेगरी क्लासीफाए करुचु। तो से जो कौन कौन भाव में क्लासीफाए करुचु से धीरे धीरे आगक पढ़वा। तो फास्ट क्लासीफिकेसन कौन आसला फास्ट तार बेसीस कौन फास्ट बेसीस क्लासीफाए कर डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। डाइवर्सिटी माने कौन डाइवर्सिटी माने विविधता बा विभिन्नता आमर जो प्लांट माने सब अच्छा से प्लांट मान मधे बहुत प्रकार विभिन्नता देखा जाए बहुत प्रकार विविधता देखा जाए चेंजेस देखा जाए। तो से जो सब कौन देखा जाए ना टाइप्स देखा जाए। तो से जो डिफरेंट टाइप्स रो प्लांट को बेसिस रे क्लासीफाई कलु ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट माने कौन हैबिटेट माने ला बासस्थली आम आर्थ रे जति के प्रकार रो एठी हम कहां क्लासिफाई करछु मन रखो पिला माने ओनली एंजियोस्पर्म ओनली आवृत बीजी ऑर्गेनिज्म मानंकु से मानंकर बासस्थली अनुसार आम ताकु क्लासिफाई कलु। मु तुमको तार डिटेल्स और नोट्स रो जो डेफिनेशन सब अछि तुमको सेंड कर देबी वर्तमान केवल जा बुझबुछि ताकु तुम केवल माइंड रखो। तले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मानंकु हम को बेसिस रे क्लासिफाई कले हैबिटेट प्रथम हैबिटेट आसिला हाइड्रोफाइट्स। तार जदी गोटे सिंपल डेफिनेशन आमे बुझिबा द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो इन वाटर जो प्लांट गुडी को पानी रे बढ़ती जल रे बढ़ती से मानको कोन कह जाए हाइड्रोफाइट्स बोली कह जाए। बुझेला पिला माने जो प्लांट माने पानी रे बढ़ती तुम्हें जो जानिछो पद्म फूल कई फूल जो प्लांट माने पानी रे बढ़ती से मानको कोन कह जाए हाइड्रोफाइट्स बोली कह जाए। सेकंड आसिला हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो इन मॉइस्चर जो प्लांट माने मॉइस्चर रे भलो बढ़ती
मॉइश्चर माने जल कणा, जल कणारे जो प्लांट माने भलो पढंती से माने को कोन कह जाय हाइग्रोफाइट्स बोली कह जाय। एग्जांपल हला किछ प्रकार रा फर्न किछ ग्रास से माने सब कोडी बढंती मॉइश्चर रे भलो बढंती से माने को कोन कह गला हाइग्रोफाइट्स बोली कह गला। थर्ड थर्ड आसीला हालोफाइट्स, द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो इन सलाइन वाटर। सलाइन वाटर माने लूनी पानी, लूनी पानी किमा लूनी माटी रे जो प्लांट माने बोल भलो पडंती से माने को कोन कह जाय हालोफाइट्स बोली कह जाय। डी डी रे कोन आसीला, डी रे आसीला मेजोफाइट्स। मेजोफाइट्स द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो इन नॉर्मल नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन। नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन माने जो वाट जो जगह रे मॉडरेट टेंपरेचर अछि, मॉडरेट वाटर अवेलेबल अछि। मॉडरेट माने गोटे प्लांट को ग्रो करिया पई जति कि परिमाण रे टेंपरेचर दरकार, जति कि परिमाण रे वाटर दरकार, से सब कंडीशन जो जगह रे अवेलेबल अछि से जगह रे जो प्लांट्स माने बहुत बढंती से माने को मेजोफाइट्स बोली कह जाय। तम घर चारि पाखरे जो आंब गछ, निम, बर, जामु, अशस्त जो सब गछ अछि से माने सब होला कोन, से माने सब होला तमर मेजोफाइट्स अंडर रे आछुंदी। देन आसीबा Xerophyte, the plants which can grow in extreme habitat. Extreme habitat माने अप्रीतिकर परिस्थिति, अप्रीतिकर परिस्थिति माने जोटी high temperature थिवो एवं सेति वाटर कंटेंट बहुत कम परिमाण रे थिवो एवं रॉक थिवो से जगह रे जो एनवायरनमेंट से एनवायरमेंटल कंडीशन रे जो प्लांट माने बलो पड़ंती से माने को कोन कहा जाय Xerophytes बोली कहा जाय। एग्जांपल एडा कोटा कैक्टस, नागफेणी, सप्तफेणी, सिजु जो गछ गुड़ी सब अछंती से माने को कोन कह जाय Xerophytes बोली कह जाय। नेक्स्ट आसीला Xerophytes परे Epiphytes। Epiphytes Epiphytes अंडर को प्लांट माने आछंती, द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो ऑन एनदर लिविंग प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। किंतु से माने जतबेले अन्य प्लांट उपरे बढंती तांकर कोनोसी क्षति करंती नाही से प्लांट को कोन कह जाय Epiphytes बोली कह जाय। नॉर्मली तमे जानिथिबो ऑर्किड, ऑर्किड बोली गोटे गछ अछि से ऑर्किड प्लांट कोन करे अन्य गछ देहरु तार न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे किंतु से गछर कोनोसी क्षति करे नाही से प्लांट को कोन कह जाय Epiphytes बोली कह जाय। देन तापर आसीला पैरासाइट। Parasites, the plants which can grow on another living plant and destroy that plant for ताको कौन कर दियो से मारी दबो। तेनो जो प्लांट माने अन्य प्लांट ऊपर बढ़े किंतु से प्लांट को कौन कर दिए से नष्ट कर दिए से प्लांट को कौन कहा जाए से प्लांट को पैरासाइटिक प्लांट बोली कहा जाए। नॉर्मली तुम जोड़ा जाने चो तुम्हारा जो कस्कटा, कस्कटा प्लांट कौन करे अन्य अन्य तुम जो निर्मूली लता से कौन करे गोटे अन्य गछ उपरे बढ़े एवं बढ़ला पर से गछ को कौन कर दिए टोटाली मारिके नष्ट कर दिए ताको कौन कह जाए पैरासाइट बोली कह जाए। तार एठे हमें कौन पढ़िले ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स रो एंजियोस्पर्म प्लांट बाबन को बाबन पढ़िले को बेसिस रे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट ताकर वासस्थली बेसिस रे ताको हमें क्लासिफाई करले। जळ रे जोटा पढ़िला ताको कहला हाइड्रोफाइट। मॉइश्चर जळ कणा नै कि जे पढ़िला ये कोन डायरेक्ट वाटर को यूज करले ये वाटर को वेपर फॉर्म रे यूज करला, ये वेपर माने जळीय वाष्प फॉर्म रे यूज करला ताको हाइग्रोफाइट्स बोली कह गला। हालोफाइट्स, हालोफाइट्स माने जे लूनी पानी, लूनी पानी वा लूनी माटी तमे जा देखि थिबो जो तमरो जो झाऊ झाऊ जो गछ सेटा हला को कहां रे आछी ए हालोफाइट्स अंडर रे आछी जे कि लूनी पानी रे भलो बढुचे। नेक्स्ट आसीला मेजोफाइट्स, नॉर्मल वाटर कंटेंट रे जे भलो बढुचे ताको मेजोफाइट्स बोली कहाउचे। एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, अप्रीतिकर परिस्थिति रे जे बढुचे ताको Xerophytes बोली कहाउचे। प्लांट सहित ताळ दे कि जे बढुचे ताको Epiphytes बोली कहाउचे एवं प्लांट रे क्षति कर कि जे बढुचे ताको कोन कहगला पैरासाइट्स बोली कहगला। तो वासस्थल बेसिस रे आमी ऑर्गेनिज्म मानको ए भला डिफरेंट बेसिस रे क्लासिफाई करू। देन आसीबा सेकंड, सेकंड रे आमी को बेसिस रे करूचो, सेकंड रे आमी कोन करूचो इन सेकंड डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। आमे कोन करूचो हैबिट, हैबिट माने को फॉर्म रो प्लांट माने अछंती सेही फॉर्म अनुसार आमे ताको कोन करूचो डिफरेंट टाइप्स रे क्लासिफिकेशन करूचो। हैबिट माने तार जो स्टेम, तार जो कांडटा अछि से कांडटार फॉर्म केबले अछि, तार साइज केमति का अछि सेही बेसिस रे आमे ताको क्लासिफाई करूचो। तो फर्स्ट आसीला हॉर्न, छोटो 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 जो प्लांट एवं तार कोन हेतिबो तार पूरा प्लांट बॉडीटा ग्रीन कलर हेतिबो एवं सॉफ्ट एंड डेलिकेट हाथरे चिपी दबो हाथरे बहुत नरम लागतबो सेही प्लांट गुडी को कोन कह जाय हर्ब बोली कह जाय। नॉर्मली हमर घास, घास
ଧାନ ଗଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଁ ଅଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଏଇ ହର୍ନ ଅଣ୍ଡରେ ଦେଖିବ, ଘାସରେ ଦେଖିବ ତାର ପୁରା ବଡିଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ହେଇଥିବ, ହାତରେ ତାର ଷ୍ଟେମ୍ଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଚିପିବ ହାତକୁ ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଡେଲିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହର୍ଟା ଯଦି ଟିକେ ଲାର୍ଜ ହବ, ଟିକେ ବୁସି ହବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତାକୁ ଶ୍ରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରବ ମିନ୍ସ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଉଦାଳିଆ ଗଛ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରି ସରି ଶ୍ରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ହର୍ ଟିକେ ବଡ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଶ୍ରବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ସେଟା ଟିକେ ଥିକ୍ ଥିବ, ମୋଟା ଥିବ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ତମର ମନ୍ଦାର ଗଛ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା ଅଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଶ୍ରବ ଅଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ହର୍ ଶ୍ରବ ସରି କ'ଣ ଆସିଲା, ଟ୍ରି, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରଙ୍କ ଥିବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଥିବ, ତମର ତାର ବାର୍କ ବାହାରିବ, ତାର ଛାଲ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ କାଠ ବାହାରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଲମ୍ସ। କଲମ୍ସ ମାନେ ଯାହାର ଷ୍ଟେମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ହେଇଥିବ ଏବଂ ପତ୍ର ଖସିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ସ୍କାର କଟା ଦାଗ ଥିବ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ତାର ଦେଖିଥିବ ପୁରା ଟ୍ରଙ୍କଟା ପୁରା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ହେଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରୁ ପୁରା ଟପ୍ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାର କଟା ଦାଗ ସ୍କାର ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କଲମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲୁ, ଏଠି ଆମେ ହେବିଟ୍, ହେବିଟ୍ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେମ୍, ତାର ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କାଣ୍ଡର ଫର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲୁ, ହର୍ ଶ୍ରବ ଟ୍ରି ଆଉ କଲମ୍ସ, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ୍ଲାସିଫାଏ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ହର୍ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଥିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିକେଟ୍, ଶ୍ରବ ହେଲା ସ୍ଲାଇଟଲି ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଉଲ୍ଟି, ଟ୍ରି ହେଲା ହେଭିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ, କଲମ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଟ୍ରଙ୍କ, ଯୋଉଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, କଲମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନୋଟ୍ସରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ହେବିଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଥାର୍ଡ ଟାଇପ୍। ଥାର୍ଡ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରୁଛୁ, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ଥାର୍ଡରେ, ଥାର୍ଡରେ ଆସିଲା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ନେଚର ଅଫ ଷ୍ଟେମ୍, ଷ୍ଟେମ୍ର ନେଚର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେମ୍ର ନେଚର, ହ୍ୱେଦର ଷ୍ଟେମ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ନା ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ନା ଘର ଚାଳ ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରୁଛେ। ତ ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଥାର୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଇରେକ୍ଟ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯଦି ମାଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇରେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କ୍ରିପର। କ୍ରିପର୍ସ, କ୍ରିପର୍ସ ମିନ୍ସ ମାଟିରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା, କ୍ରିପିଂ କରିବା, ମାଟି ଉପରେ ଭରା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗଛଟା ଚାଲିକି ଥିବ, ପଡ଼ିକି ଥିବ, ଉପରେ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ରିପର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରେଲର, ଟ୍ରେଲର୍ସ। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ସ। ଟ୍ରେଲର୍ସ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ବାହାରିଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତାର ପ୍ରତି ନୋଡ଼, ନୋଡ଼ ମାନେ ଗଣ୍ଠି, ତାର ଗଣ୍ଠିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେର ବାହାରିକି ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶେଇଥିବ। ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଦୁବ ଘାସ ତମ ଘର ପାଖରେ ହେଇଥିବ, ସେ ଦୁବ ଘାସ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇ ଟ୍ରେଲର୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ୍ଲାଇମ୍ବର, କିଛି ଗଛ ଦେଖିଥିବ, କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଦେଖିଥିବ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇତର ଗଛ ଉପରେ ଭରା ଦେଇକି ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଉଠିଥିବ କିମ୍ବା ଘରର ତମର ଯୋଉ ସର୍ପେ ଚାଳ ଘର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥାଏ ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ବାହାରିଥିବ, ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ୍ସ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ନର୍ମାଲ ଏମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଅଛି ତାର ଏମିତି କ'ଣ ବାହାରିଥିବ, ଛୋଟ 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 ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ୍ସ ସବୁ ବାହାରିଥିବ, ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ୍ସ। ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଥିବ ସେ ସପୋର୍ଟକୁ ସେ ଧରିକି ଉପରକୁ କ'ଣ ହବ, ଉଠି ଉଠିକି ଚାଲିବ, ତାକୁ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲୁ, ଏଠି ଆମେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେମ୍ ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଇରେକ୍ଟ, ଯିଏ ପୁରା ସିଧା ଠିଆ ହେଇଥିବ ମାଟିରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ ଇରେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାଟିରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଥିବ ତାକୁ କ୍ରିପର୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାଟି ଉପରେ ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ରୁଟ୍ ବାହାରିକି ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଥିବ ତାକୁ ଟ୍ରେଲର୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ଉପର ଘର ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ଲାଇମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହେବିଟାଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିଲେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହେବିଟ, ଥାର୍ଡ ପଢ଼ିଲେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଚାରି ନମ୍ବର, ଚାରି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍
लाइफ स्पान। लाइफ स्पान माने कौन? लाइफ स्पान माने ला जीवन काल। जीवन काल रे जीवन काल सब प्लांट मान कौन से सब प्लांट मान कर तो समान जीवन काल नहीं। किछ प्लांट अल्प दिन रे बंच जन्म होई के मरि जांदी, किछ प्लांट पुनी कौन दी वर्ष वर्ष धरि के बंचि के रहंती। तेणु जीवन काल अनुसार जदि आम प्लांट मान को क्लासीफाए करवा कौन कौन अच्छे देखा। सो फास्ट फास्ट आसला एफिमेरल्स। एफिमेरल्स एफिमेरल माने कौन ना जो प्लांट माने बहुत कम समय मध्य माने 6 मास भीतर जन्म होइकी फूल फल देकी 6 मास भीतर मरि जांती से प्लांट मान को कौन कह जाए एफिमेरल्स बोली कह जाए। एवं ड्राई कंडीशन आसिया पूर्वर मध्य मास माने कोनी जांती मरि जांती से मान को एफिमेरल्स बोली कह जाए। सेकंड सेकंड आसला एनुअल। गोटे वर्ष मध्य फूल फल देकी जो प्लांट माने जन्म जन्म होकर फूल फल देकी मरी जाती से कौन कह जाए एनुअल्स बोली कह जाए। सी सी आसला बाइनियल। बाइनियल्स माने जन्म होकर फूल फल देकी मरिया पर्यंत ताको केतो समय दिन समय लगे 2 वर्ष समय लगे से कौन कह जाए बाइनियल बोली कह जाए। ता माने 2 वर्ष मध्य फूल फल देकी जो प्लांट माने मरिबे से बाइनियल बोली कह जाए। देन आसला पेरिनियल। जन्म होकर मरिया पर्यंत से बहु वर्ष धरिक बंचती से कौन कह जाए पेरिनियल प्लांट बोली कह जाए। ताले एफिमेरल 6 मास समय मध्य मे बी से गोटे दिन हो पारे मे बी 6 मास हो पारे 6 मास समय मध्य बहुत कम समय मध्य जो प्लांट टे फूल फल देकी तार लाइफ साइकिल कंटिन्यू करके मरीज एफिमेरल कह गोटे वर्ष मध्य फूल फल देकी जो प्लांट टे मरीज एनुअल कह धान गच ये अंडर आसनियल माने 2 वर्ष मध्य गोटे वर्ष से कौन कर तार प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर सेकेंड वर्ष से कौन कर फूल फल देकी तार लाइफ साइकिल टाक कंप्लीट कर बाइनियल बोली कह जाए। तुम्हारा गाजर बीट से सब प्लांट माने बाइनियल अंडर आसुच्च पेरिनियल माने बहु वर्ष धरिकी से कौन हम बंचिक रे वर्ष बै वर्ष से फूल फल दे दे चलते से कौन कह पेरिनियल बोली कह तो यहाँ कह मैंने कौ बेसीस क्लासीफाए कले आम से लाइफ स्पान माने जीवन काल बेसीस क्लासीफाए कलु। देन पांच नंबर लास्ट पांच नंबर कौन आसला डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। कौ बेसीस न्यूट्रिशन कर न्यूट्रिशन माने कौन से माने निज पाई पोषण से माने निज पाई पोषण तैयारी करुछन्ति सही बेसिस रे आमे प्लांट मानको क्लासिफाई करबा सेथिरे केवल दुटा कैटेगरी अछि कौन कौन नॉर्मल आमे कहै छै मोस्ट प्लांट माने कौन मोस्ट प्लांट माने हले ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक माने हला स्वभोजी से माने निज खाद्य निज देह रे प्रस्तुत करि परिबे को प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे से माने निज खाद्य निज देह रे प्रस्तुत करि परिबे से मानको ऑटोट्रॉपिक बोली कह जाए। प्राय तो मोस्ट ऑफ द प्लांट माने हले कोन ऑटोट्रॉपिक माने से माने हले फोटोसिंथेटिक से माने कोन करछन्ती ना सन रो जो केमिकल जो रेडिएंट एनर्जी अछि सूर्य रो जो लाइट एनर्जी अछि से लाइट एनर्जी को यूज करके से माने केमिकल एनर्जी केमिक ताको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दउछन्ती को फॉर्म रे इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म रे ताको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दउछन्ती। आउ किछ प्लांट माने जो माने निज खाद्य निज देह प्रस्तुत करि पारंती नाही तांको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोली मध्ये कह जाए। जोड़ा आम कहे निर्मूली लता सी ता खाद्य निज देह तैयारी पारे सहित से न्यूट्रिशन अन्य प्लांट उपर डिपेंड करे तो से कौन कह जाए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म माने कह जाए। से हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म माने कर जे संप्रांच अछि गोटे ला पारासाइटिक जी खाद्य पाई अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म अन्य 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 लिविंग प्लांट उपर डिपेंड करिवो ताको कौन कह जाए पारासाइटिक बोली कह जाए। आउ गोटे अच्छे साप्रोफाइटिक। आउ किसी प्लांट अच्छा से खाद्य पाई मरी जाइए जीव जंतु मानते डिपेंड करते साप्रोफाइटिक बोली कह जाए। एग्जांपल तुम जानते छतु सेमती आउ किसी प्लांट कैटेगरी अच्छा जो मैंने खाद्य पाई अन्य डेड ऑर्गेनिज्म उपर डिपेंड करते। थर्ड थर्ड आसला सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स माने तुम जो स्कूल बेले पढ़ चो सहजीवी उपजोजन किसी प्लांट्स अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म मानको संगरे मिसिकी बा अन्य प्लांट मानको संगरे मिसिकी से माने कोन करुछन्ती गोटे म्यूचुअल इंटरेक्शन करुछन्ती तांको भीतर भावर आदान प्रदान होउछि। एग्जांपल हला लाइकेन ता भीतर के मिसिछि अल्जी भी अछि शैवाल अछि फंजाई कोन अछि कवक अछि तन अल्जी कोन करुछि खाद्य तयार करुछि कवक ताको पानी दउछि बा रहिया पई जागा दउछि जोटा तांको भीतर रिलेशनशिप हला सेरा को कोन कहगला सिम्बायोन्स बोली कहगला। लास्ट रे कोन आसला इनसेक्टिवोरस।
ইনসেক্টিভরস মানে যে কিছু প্লান্ট অনেক সে গ্রো করা কম করছেন না ইনসেক্ট মানুষ ফিড করতে সে কম কুয়া ইনসেক্টিভরস বলে কুহগলা তাহলে নিউট্রিশন বেসিস আমি অর্গানিজম মানুষ কতটা গ্রুপে ক্লাসিফাই কলু দুইটা গ্রুপে ক্লাসিফাই কলু কম কম গোটে আসলে অটোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন আর গোটে আসলে হেটেরোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন হেটেরোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন প্যারাসাইটিক স্যাপ্রোফাইটিক সিম্বায়ন্টস আর ইনসেক্টিভরস এইভাবে প্লান্ট সব ক্যাটেগরি সব রহিলা তার মানে আমি টোটাল প্লান্ট মানুষ কতটা গ্রুপে ক্লাসিফাই কলু পাঁচটা গ্রুপে ক্লাসিফাই কলু ফার্স্ট আসলে হ্যাবিটাট সেকেন্ড আসলে হ্যাবিট থার্ড আসলে কোন থার্ড আসলে লাইফ স্প্যান ফোর্থ আসলে নিউট্রিশন আর গোটে কোণ রহিলা মঝিরে আর গোটে রহিলা মঝিরে নেচর অফ স্ট্রেংথ সে বিষয়ে ক্লাসিফাই কলু তুমি এটা ডিটেলস ভিডিও দেখিদেব নোট মু তোমাকে পঠাইবি পড়িদেব যাহা ডাউট আছে আমি পরে ডিসকশন করিবা।